सिंगरौली में नगर निगम और परिवहन विभाग के नेतृत्व में बस स्टैंड परिसर के आसपास बुलडोजर चलाया गया। यहां अतिक्रमण हटाए जाने से जनता को राहत मिली। प्रशासन के नेतृत्व में नगर निगम और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। बस स्टैंड परिसर में जो वाहन कई दिनों से खड़े थे उन्हें चिन्हित कर स्टैंड से हटाया गया और जिन बसों का आना जाने से समय निर्धारित है सिर्फ उन्हीं बसों को स्टैंड पर रखने का निर्देश दिया गया, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली। नगर निगम आयुक्त और जिला परिवहन अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अतिक्रमण को हटा दिया। उक्त कार्रवाई में नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी विक्रम राठौर सहित कई अधिकारी शामिल रहे। निगम आयुक्त ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वे अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा निगम अमले के द्वारा प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर के निर्देशानुसार एवं रिस्पेक्टेड नगर निगम कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही। इनमें बसों एवं ऑटो को व्यवस्थित पार्किंग पे खड़े करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा ऑटो चालकों को समझाइश भी दी गई है कि वो वाहन के दस्तावेज वैध दस्तावेज लेकर इस वाहन का संचालन करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।